अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओ लेवल वर्सेस मैट्रिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सी डिग्री फ़ायदेमंद है और कौन सी डिग्री वेस्टेज ऑफ टाइम है, इन दोनों डिग्रीज की पहले सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है। ओ लेवल की अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है और मैट्रिक की अपनी जगह पे। हाँ, अगर कंपेरिजन किया जाए तो ओ लेवल की डिग्री वो इंटरनेशनली रिकोगनाइज डिग्री है, इस वजह से उसकी वर्थ ज़्यादा है। आप सबसे पहले ये देखें, आपने अपना करियर परसू पाकिस्तान में करना है या आपने अब्रॉड जाना है। अगर तो आपने पाकिस्तान में ही रहना है, फर्दर एजुकेशन पाकिस्तान में ही हासिल करनी है और अपना करियर इधर पाकिस्तान में ही बनाना है, तो मैट्रिक आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो एक तो लेस एक्सपेंसिव है, दूसरा हमारे इधर ट्रेडिशन और माहौल के मुताबिक एडजस्टेबल है, उसमें आप एडजस्ट हो सकते हैं। और तमाम जगह जगह पे आपको इसके इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, टीचर्स मिल जाएंगे, नोट्स इसके बने बनाए आपको स्कूल से एकेडमी से मिल जाते हैं, और ये रिलेटिवली इतनी ज़्यादा महंगी डिग्री नहीं है और ज़रा सिस्टम आपके लिए इजी हो जाता है। हाँ, अगर ओ लेवल की बात की जाए वो कॉस्टली काम है ज़रा, क्योंकि ये कंप्लीट डिग्री 2 साल की है और आपको तकरीबन 2,15,000 इसके राउंड अबाउट इसकी फीस पड़ती है, पर सब्जेक्ट की इसकी 22-23 हज़ार रुपया। अगर तो साइंस का कोई सब्जेक्ट है उसकी इतनी रजिस्ट्रेशन फीस है, और अगर नॉन साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसकी 20-21 हज़ार रुपया रजिस्ट्रेशन की फीस है। साल में इसके एक दफ़ा पेपर होते हैं, मई से जून के दरमियान में इसके पेपर हो जाते हैं ओ लेवल के। और इसकी ये कैम्ब्रिज का एक इंस्टीट्यूट है, उसी ने एग्जाम्स लेने हैं, उसी ने इसकी चेकिंग करनी है। इंटरनेशनल लेवल पे इसकी एक रिकॉग्निशन है। आप ओ लेवल करके जाते हैं तो एक तो आपकी अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको कंटेंट नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी जो कि मैट्रिक में नहीं होती। मैट्रिक में रट्टा सिस्टम भी चल जाता है, बने बनाए नोट्स दे दिए और खुलासे और की बुक्स लगवा दी और उधर से देख के आंसर लिखते जाएं, जिसमें दिमाग इतना ज़्यादा बच्चों का नहीं चलता। जो दिमाग एक्सप्लोर करता है चीज़ें ओ लेवल में, वो मैट्रिक में नहीं करता। इस वजह से कंटेंट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ लेवल का और मैट्रिक का कंपैरिजन कोई नहीं है। ओ लेवल इज़ फार बेटर देन मैट्रिक, ठीक। लेकिन अगर आपने अब्रॉड नहीं जाना और आपके पास पैसों का फाइनेंशियल कोई इशू है, फिर आप मैट्रिक को प्रेफर करेंगे। इस तरह की आपको फाइनेंशियल हर्डल कोई नहीं है और आपने अपना फ्यूचर बाहर के किसी मुल्क में एडजस्ट करने का सोचा हुआ है, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह की है कि बाकी लोग भी बाहर सेटल हैं, आपने भी बाहर जाके सेटल होना है, तो ओ लेवल इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। क्योंकि ओ लेवल के बाद फिर आप ए लेवल करेंगे, अगर ओ लेवल के बाद बाहर चले जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ए लेवल करके बाहर चले जाते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती हैं फिर अपने फ्यूचर के अगर और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे ही मैं क्लियर कर दूँ कि अगर आपने मैट्रिक किया और उसके बाद ए लेवल का आपका माइंड बन गया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ओ लेवल के बाद ही आप ए लेवल कर सकते हैं, ये नहीं होगा कि मैट्रिक के बाद आप ए लेवल कर लें, ठीक हो गया। सब्जेक्ट्स की इसकी अगर बात की जाए तो ओ लेवल के टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी हैं, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामियात और मैथमेटिक्स, ये 5 सब्जेक्ट पाकिस्तान में कंपलसरी हैं। दूसरे नेशन के उनके अपने कोई कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे, लेकिन पाकिस्तान से अगर आप ओ लेवल कर रहे हैं तो ये 5 सब्जेक्ट आपने लाजमी करने हैं, 3 सब्जेक्ट ऑप्शनल में है। अब उनके ग्रुप्स हैं, या तो आप बिजनेस या कॉमर्स में से अपने सब्जेक्ट पिक करेंगे, या प्योर साइंस में से अपने सब्जेक्ट पिक करेंगे, कंप्यूटर साइंस में से पिक करेंगे। आम तौर पे इसके इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, एडवांस मैथ, इस तरह के ये सब्जेक्ट हैं। वो पूरी लिस्ट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, उनमें से फिर आपने कोई से 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। वो जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने एडमिशन लेना है वही आपको गाइड करेंगे कौन कौन सी ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है, वहाँ से फिर आपने पिक कर लेना है। बाज ने वो बैच बना दिए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक सेक्शन में से 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, या सेक्शन बी में से कर लें, या सेक्शन सी में से। बाज ने कंप्लीट सब्जेक्ट की लिस्ट बना दी, इनमें से कोई से भी 3 आप पिक कर लें। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ से ओ लेवल कर रहे हैं।
इसकी ओ लेवल की रजिस्ट्रेशन अगस्त में आमतौर पे ऑन हो जाती है और सितंबर तक ये चलती है। जिस तरह 2024 की जो रजिस्ट्रेशन थी वो मिड ऑफ अगस्त से स्टार्ट होके 15 सितंबर 2024 तक रही है। अभी ये रजिस्ट्रेशन इसकी क्लोज होगी हुई है। नेक्स्ट ईयर 2025 की फिर जब नया कोई शेड्यूल आएगा वो आपके साथ शेयर कर देंगे। और मैट्रिक का जहाँ तक ताल्लुक है, मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन ये जनवरी फरवरी में हो जाती है और इसके एग्जाम्स जो हैं वो अप्रैल मई में आमतौर पे होते हैं। ये भी साल में एक दफा होते हैं अप्रैल मई में। और फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल का अब इन्होंने नाम दे दिया हुआ है। सेकंड एनुअल में ये सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स को एडजस्ट कर लेते हैं और फर्स्ट एनुअल ये प्योर आपके एनुअल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं तो जो अप्रैल और मई में आमतौर पे कंडक्ट होते हैं। इन दोनों का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, 8 ही सब्जेक्ट मैट्रिक में, 8 ही सब्जेक्ट ओ लेवल में। लेकिन इन दोनों की कंटेंट नॉलेज में फर्क है। ओ लेवल में रट्टा कोई नहीं लगना क्योंकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछना है उसको घुमा के बीच में एक क्वेश्चन के डिफरेंट एंगल बना के पूछना है, आपके माइंड को एक्सप्लोर करते हैं वो। जबकि मैट्रिक सिस्टम में वो रट्टालाइजेशन है, गिनती के कुछ क्वेश्चन हैं जिस तरह व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मैथ और व्हाट इज बायोलॉजी, इस तरह के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आप नोट्स में से भी याद कर लेते हैं तो इजीली निकल जाते हैं आप। तो मेरा ख्याल है काफी डिस्कशन हो गई ओ लेवल और ए लेवल पे, इन दोनों में आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब आप लोग अपना फ्यूचर के बारे में खुद डिसीजन लें क्या आपके लिए बेहतर है, अपने सरकमस्टांसेस देखें उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसीजन लें। हमारे थ्रू किसी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो, ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आपको हर किस्म की हेल्प भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इकोनॉमिक्स को हम डील करते हैं, इकोनॉमिक्स की अगर आपने क्लासेस लेनी हो, बेशक वो मैट्रिक लेवल पे है या ओ लेवल की है आपकी इकोनॉमिक्स, या इसके एडवांस ए लेवल की है, किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स है उसको हम डील करते हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको तैयारी करवा देंगे। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कर दें दोस्तों के साथ, इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जिस चैनल के हवाले से बात करना चाह रही हूँ वो इकोनॉमिक्स पोर्टल। इकोनॉमिक्स पोर्टल, जैसे कि नाम से ये बात वाजे हो जाती है कि इकोनॉमिक्स के हवाले से तमाम डिटेल्स जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल होंगी। इस चैनल को लीड कर रहे हैं सर रईस अहमद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।